पास जो मानव खड़ा है उसकी कद काठी और आचरण से लगता है कि यही वीर नंदा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा यहीं कहीं हैं? सॉरी अंकल, मेरे पापा आपसे कई ज्यादा हैंडसम हैं। अब आप लोग अपनी अपनी आंखें खोलिए। ओम द्यो शांति हर परिक्षह शांति पृथ्वी है शांति है श्यामा शांति है रोषधय शांति है विश्वदेव शांति है ओम वनस्पतय शांति है ओम। इस मंत्र के उच्चारण से मुझ पर ये कैसा प्रभाव पड़ रहा है? मैं यहाँ एक क्षण और रुका तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वीर नंदा से इस पूजा के खत्म होने के बाद मिलना होगा। नहीं मिले पापा। थैंक यू पंडित जी। इतना कॉन्फिडेंट था बंटू कि पापा आएंगे, नहीं आए। अंकल मिल जाएंगे, डोंट वरी। वीर नंदा, मेरा प्लान फेल हो गया बंटू, मैं फेल हो गया। फेल पता है कौन होता है? जो कोशिश नहीं करते। और जब तक अंकल नहीं मिलेंगे ना, अपन लोग कोशिश करते रहेंगे। जरा उठा देना यार। तो ये है वीर नंदा, अमल नंदा का बेटा। आखिर तू मुझे मिल ही गया।
ईमानदार है तो आत्मसमर्पण कर दे मानव। अबे तू क्या करेगा नीले चकुंदर? बहुत हो गई है छोटी छोटी लेजर शूटिंग, अब ना कुछ बड़ा करना होगा। जो पावर तुझे चाहिए ना रॉकी, उसको पाने के लिए ना यही एलियन तेरे काम आएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा सकता हूं पर एक शर्त पे। मंजूर है। कहाँ है विचार? देखो यहां धरती पे दीवारों के भी कान होते हैं, ये बात मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। मैं आ रहा हूं। तुम्हारा भाई भ्राता को ऐसी जगह छुपा रखा है। अबे नीले ठोका! कई बार ऐसा लगा बंटू कि पापा बिल्कुल आसपास थे, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। इतना तो गलत नहीं हो सकता मैं, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तू ओवरथिंक कर रहा है बच्ची, अगर अंकल आए होते ना तो मिल जाते। तो समझ नहीं रहा है बंटू, उस पूरी कंडोलेंस मीटिंग के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा वहीं कहीं हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंकल को पता ही ना चला हो कंडोलेंस मीटिंग के बारे में। पता नहीं यार, ऐसे गिव अप थोड़ी करते। हम लोग एक काम करेंगे, एक नया प्लान बनाएंगे अंकल को ढूंढने के लिए। बंटू मुझे तो ये भी नहीं पता है कि पापा के साथ चल क्या रहा है। इनफैक्ट मुझे तो टेंशन हो रही है कि पापा किसी बड़ी मुश्किल में ना हो। मतलब हम गोल घूम घूम के वहीं आ गए। आ तो गए घर, तुझे कहाँ जाना था? मैं अंकल को ढूंढने की बात कर रहा था। सोचा था आज पापा को घर साथ लेकर लौटूंगा, स्वीटी मीठी को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दूंगा। सब बेकार हो गया। काश आज पापा मिल जाते तो मेरी छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो जाती। अति उत्तम, अमलंदा के रूप में वीर के सामने आने का यही सही समय है। 15 सालों से जिन्हें ढूंढ रहा हूं, ऐसे इतनी आसानी से 2 दिन में थोड़ी ना मिलेंगे। जितना मैं अपने पापा को जानता हूं ना बंटू, उनके पास कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर होगा यूं इस तरह सबसे दूर रहने का। इस क्षण वीर नंदा के सामने गया तो मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं होंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद अमल नंदा को ढूंढते हुए मेरे पास आए। चल मैं चलता हूँ, लेकिन तू रेस्ट करेगा अभी।
नंदा, सब कुछ जानना है मुझे तुम्हारे बारे में। अलोमा से संचार संपर्क तोड़कर दंश ने जो गलती की है उसकी माफी नहीं, असुर श्रेष्ठ से परम दंड जरूर देंगे। ये अब तक पता क्यों नहीं चला? दंश है कहाँ? सावधान, यहाँ पर किसी मनुष्य के होने का आभास मिला है। तुमने ये ठीक नहीं किया। इस यान पे मानव का संकेत? ढूंढो उसे। ये लाल घंटी का मतलब समझते हो? मनुष्य की मृत्यु की चेतावनी। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। अचल के साथ वो कोई मनुष्य है? असंभव। डर तो इतना लग रहा है कि पैंट भी गीली होने के भी चांस है। पर अब जब डिसाइड कर ही लिया कि क्या करना है तो इन एलियंस को पता नहीं चलने दूंगा। मार दो इसे। दूर हो जाओ। नीचे गन डाउन कर लो, नहीं तो तुम्हारे भ्राता का ना चुकंदर का जूस निकाल दूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चुप रह, नीचे करो इसे। गन नीचे कर। इतने नीले पेंटिंग करते हो क्या तुम लोग अपने ऊपर? तुम यहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे मानव। ओ मोनालिसा, साइड हो। सुरो, पकड़ो उसे। कौन है? कीमत क्या ना एलियन हो तुम, नहीं तो यहीं रुकना पड़ जाएगा। क्या तुम एंजल हो? क्या आसमान से आई परी हो? या तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, या फिर इसका दिमाग खराब है। हेलो परी, देखो देखो मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए।
देखो देखो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो मैं उसके पास तुम्हें ले जा सकता हूँ। एक तुच्छ मानव को पता है कि हमें क्या चाहिए। हाँ, I know कि तुम उस इनविजिबल, आई मीन जो गायब हो जाता है हीरो, उसको ढूंढ रहे हो ना। तो वो अदृश्य मानव तुम ही हो, तो तुम्हारा मरना तो तय है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता वो कहाँ रहता है, प्लीज इसको रोक लो। थैंक यू। तुम हमारे लिए किसी काम के नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंगूठी प्राप्त करना।